हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंकों का स्थापना। दोस्तों, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। टोटल मैं 10 तीन से चार मिनट में कवर करा दूंगा और ये सारा आपके टिप्स पे याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसके जस्ट बाद आपको मैं 10 से 12 MCQ भी करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर से होंगे, तब जाके आपका पूरा ये कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन या कब हुआ था? तो डायरेक्टली आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बैंकों का बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कौन, उसके पास क्या है? माल ही माल है, बस आंसर आता गया। उसके पास क्या है? RBI पास क्या है दोस्तों? माल है। क्या है? माल है। तो देखिए, M का कोड होगा, A का नहीं होगा, A का नहीं होगा, L का होगा, M का 3 होगा और L का 5 होगा। अब देखिए, अगर 18 लगाएंगे तो 1835, वो पॉसिबल ईयर आपको आ ही नहीं पाएगा। डायरेक्ट क्या होगा? 19 आगे लगाएंगे, 1935। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1935। और एक्स्ट्रा चीज़ यार याद रखना है क्या, कि 1 अप्रैल को हुआ था ये। कब हुआ था? 1 अप्रैल को हुआ था। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, 1 अप्रैल 1935 को ये गठन हुआ था। क्लियर है? अब ये पूछेगा एग्जाम में कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो बोला जा रहा था आपको रुपये का रिस्क लेना है, रुपये को इधर उधर ट्रांसफ़र करना है। तो बस आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रुपये का इधर उधर कर रहा था कौन? RBI। R का कोड होगा, U का नहीं होगा, P का होगा, UYE का नहीं होगा। R का दोस्तों 4 होगा, P का 9 होगा। 19 आगे लगा दीजिए, 1949 में दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर है? आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आप SBI जाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्राउड ज़्यादा होता है, मतलब क्राउड वहाँ होगा तो हल्ला भी ज़्यादा होगा। तो कोई भी बैंक जाओ, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक चले जाओ, तो वहाँ शांति से सब लोग रहेंगे, मतलब आदमी नहीं तो हल्ला कहाँ से होगा। तो SBI में जाते के साथ आपको क्या दिखता है? क्राउड। और वहाँ पर क्या होता रहता है? हल्ला होता रहता है, वो उससे बात कर रहा है, उससे हल्ला कर रहा है, तो हल्ला होता है। कहाँ पर हल्ला होता है? SBI में। देखिए, SBI में क्या हो रहा है? हल्ला हो रहा है। H का कोड नहीं होगा, A का नहीं होगा, L का होगा, A का नहीं होगा, L का दोस्तों 5 होता है, और L का 5 होता है। 19 आगे लगा दीजिए, 1955 में SBI का गठन हुआ था। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, ये RBI का इस वर्ष राष्ट्रीयकरण हुआ था, बट यहाँ बोल रहा है सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्या हुआ? आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट होने लगा। तो बस यहाँ से दिमाग ही नहीं लगाना है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंक में आपको जॉब मिलने लगा। क्या मिलने लगा? जॉब मिलने लगा, क्योंकि एग्जाम होने लगा बहुत सारा। तो देखिए, J का कोड होगा, O का नहीं होगा, B का होगा। J का दोस्तों 6 होता है, B का 9 होता है। 19 आगे लगा दीजिए, तो 1969 में दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एग्जाम में पूछा जाएगा, अब देखिए 1969 आ गया, पूछा जाएगा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब देखिए आपको यहाँ जॉब लग चुका है, तो आपको क्या होगा? डर खत्म हो गया आपके अंदर, क्या हो गया? डर खत्म हो गया। तो बस डर को अगर डिकोड कर दीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा आंसर कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, D का कोड 1 होता है, A का नहीं होता, R का कोड 4, D का 1, R का 4। 14 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। क्लियर है? आगे देखिए, नबार्ड, जो कृषि संबंधित रिलेटेड है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा नबार्ड बैंक किससे ज़्यादा रिलेटेड है, तो कृषि से संबंधित है। क्लियर है? कैसे याद रखना है? अगर ये कृषि से होगा तो फार्मर लोग इससे लोन लेंगे, और लोन इतना ले लेते हैं कि उनको फाइन देना पड़ जाता है। क्या देना पड़ जाता है? फाइन देना पड़ जाता है, इसीलिए तो लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। क्लियर है? तो बस जब भी अगर नबार्ड बैंक, अच्छा कृषि फार्मर लोग के लिए था, वो बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं तो फाइन लेने लगती है, बैंक क्या करती है? फाइन लेती है। तो F का कोड होगा, I का नहीं होगा, N का होगा, E का नहीं। F का दोस्तों 8 होता है और N का 2 होता है। 19 आगे लगा दीजिए, 1982। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1982 में नबार्ड बैंक का गठन किया गया था। अगला, ग्रामीण बैंक कहाँ पे खोला जाता है? गांव वगैरह में खोला जाता है। गांव वगैरह में क्यों खोला जाता है? आप ऐसे याद रखना है इसको कि कोई भी गांव में अकाल आ जाता है, क्या आ जाता है? अकाल आ जाता है, तब वहां पे क्या होता है? ग्रामीण बैंक खोलता है, ताकि सब लोगों को कुछ कुछ बांट बांट के पैसा दिया जाए। तो अकाल पड़ जाएगा तो वहां लोगों को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो कौन, कब पैसा चाहिए? जब अकाल पड़ जाता है। कौन देगा? ग्रामीण बैंक वाले लोग, क्योंकि गाँव गाँव में वही जाएगा। तो कब ग्रामीण बैंक आता है बताओ? अकाल पड़ने पर। तो A का कोड नहीं होगा, K का होगा, A का नहीं होगा, L का 5 होगा। K का दोस्तों कितना होगा?
सेवन होगा, एल का फाइव होगा, 19 आगे लगा दीजिए 1975। 1975 में दोस्तों ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कोड बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आई बटन में क्या होगा, आपको ये नेमोनिक क्या है, किस तरह काम करता है, कोड को कैसे याद करना है, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो के लास्ट में जाके वो वीडियो आप देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये कोड मैं लिख रहा हूँ, बट ये कोड का याद करने का तरीका भी मैंने सिखा दिया है। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, अगर इंपीरियल बैंक डायरेक्टली क्या लिखा होगा, इंपीरियल बैंक में सिर्फ नोट ही लेते हैं, नोट ही लेते हैं, एक दो रुपये का सिक्का नहीं लेते। इंपीरियल बैंक में क्या लेते हैं, सिर्फ नोट लेते हैं। क्या लेते हैं, नोट लेते हैं। तो एन का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं होगा। एन का दोस्तों टू होगा, टी का वन होगा, 19 आगे लगा दीजिए 1921। अगर दोस्तों कन्फ्यूजन किसी को भी होता है, अगर नहीं भी हो रहा है तो मैं जब आप एक बात बोलूँगा तो आपको बोलोगे हाँ ये सोच मैं सकता हूँ। क्या कन्फ्यूजन होगा, देखिए जब मैं नोट बोला तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे कि कहाँ रुपया था कहाँ नोट था, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, नोट रुपया, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। चलिए दूसरा तरीका सोचते हैं ताकि उसको भी दूर कर देते हैं। देखिए इंपीरियल बैंक मतलब इसका शॉर्टकट क्या बोलोगे, आई बी, क्या बोलोगे, आई बी। और आपको पता है ये दारू का नाम है, आई बी, इंपीरियल ब्लू, बी से बैंक है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ब्लू, इंपीरियल ब्लू। तो यही याद रखना है कि जब आई बी लेने के लिए जाते हो तो क्या बोलते हो काउंटर पे कि दीजिए आई बी दीजिए, तो वो क्या बोलता है, पहले नोट लाओ। कभी दारू तो दारू के दुकान में देखे हो कि पहले पैसा, मतलब दारू दे दिया बाद में पैसा, नहीं पहले पैसा, मैंने नोट लाओ पहले तब मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नोट, पहले वो आई बी वाले लोग क्या बोलते हैं, इंपीरियल ब्लू जो बेच रहे हो क्या बोल रहे हैं, नोट चाहिए पहले नोट तब मिलेगा, क्लियर है। तो इससे भी आप याद कर सकते हो, क्लियर है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगला, भारतीय करेंसी नोटों के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है, कितने भाषाएं मुद्रित होती है। जैसे आप पैसा देख रहे हो काउंट करना स्टार्ट किए, 1 2 3 4, भाई नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, अरे यार धुल गया लगता है, क्या हो गया, धुल गया लगता है इसीलिए नहीं दिख रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा है धुल गया, बस आंसर आ गया, धूल गया इसलिए तो नहीं दिख रहा है। कितने भाषाएं हैं आपको दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूल गया है। बस डी का कोड होगा, एच का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, एल का होगा। डी का दोस्तों वन होता है, एल का कितना होता है, फाइव होता है, 15। टोटल कितना भाषाएं हैं मुद्रित किया गया दोस्तों, 15 भाषा, क्लियर है। तो ये आपका क्लियर है, समझ में आ गया। और इंडिया में कितना भाषा है दोस्तों, टोटल 22 है। कैसे याद कराया था कि मैं गया था नानी के घर पे या नाना के घर पे, वहाँ पे क्या सीखा था, सारा भाषा सीखा था, तो नाना को डिकोड कर दिया, एन का कोड टू, एन का कोड टू, क्लियर है। अगला देखिए, देश में नोटबंदी कब आया था, आपको तो लगेगा हाँ ये रिसेंट में आया था, लेकिन जब पेपर में देखोगे 2016, 2017, 2018 या 2015, तो अब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कैसे याद रखना है देखिए ध्यान से, देश में नोटबंदी कहाँ हुआ था बताओ आप, देश में हुआ था, अपने ही देश में, भारत में हुआ था, कहाँ हुआ था नोटबंदी, देश में हुआ था। डी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एस एच का होगा। डी का दोस्तों वन होगा, एस एच का कितना होगा, सिक्स होगा, एस एच का कितना होगा, सिक्स होगा, क्लियर है। अब देखिए 19 लगाऊँ क्या, 1916 में नोटबंदी थोड़ी हुआ, नोटबंदी तो 2000 की ईस्वी में हुआ था, तो ये दो लगा दीजिए, 2016 में हुआ था। अब क्या करना है कि अगर मुझे डेट भी पूछ दिया तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लगा देना है जुगाड़। क्या लगाओगे जुगाड़, इस नंबर का आधा कर दो, ये वाला सिर्फ ये दो डिजिट को, इस नंबर को क्या करो आधा कर दो, इस नंबर को क्या करो आधा करो, इस नंबर को, इस नंबर तो बस नवंबर, फटाक से नंबर नवंबर एक जैसा है ना, इस नंबर, इसीलिए मैं उस पर स्ट्रेस दे रहा था वर्ड नंबर पे, इस नंबर को आधा कर दो, इस नंबर को आधा कर दो, तो नंबर से नवंबर आधा करने के बाद 8, तो 8 नवंबर, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इस टेक्निक से आपको याद हो गया होगा, सारे चीज़ आपका टिप्स पे हो चुका होगा। आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद MCQ आएगा, उसको प्रैक्टिस कर लोगे जो प्रीवियस ईयर से होगा, तो आपको डायरेक्टली टिप्स पे ये सारा चीज़ हो जाएगा। ये टॉपिक बार डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इसको मैंने कवर कर दिया। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे 10 से 15 हम लोग MCQ को देखने की प्रयास करेंगे, और सारे को आपको डायरेक्टली मैं 2 से 3 मिनट में कवर करवा दूंगा। चलिए पहला, इंपेरिकल बैंक स्थापना किस वर्ष की गई, ए 1955, बी 1921, सी 1930 और डी 1935। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे, मैं थोड़ा स्पीड करूँगा, आप मेरे साथ चले, आपको स्पीड लगेगा थोड़ा पॉज कर लें। देखिए इंपेरिकल ब्लू, मैंने क्या बोला था, आई बी बोला था,
आईबी, दोनों तरीके से याद करने बोला था। आईबी लेने जाओगे तो आपको क्या बोलेगा, पहले नोट लाओ, नोट दोगे तभी होगा। नोट देखिए, एन का कोड कितना होता है 2 और टी का कोड कितना होता है 1। 21 कहाँ दिख रहा है, यहीं दिख रहा है, डायरेक्ट टिक लगाना है 1921। अगला देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष कब हुई थी, ये 2017 में पूछा था MPPSC में। ए 1954, बी 1955, सी 1956 और डी 1957। क्या बोला था दोस्तों बताओ? मैं यही बोला था कि भारतीय स्टेट बैंक में क्या होता है, आप देखते होगे, हल्ला होता है। क्या होता है? हल्ला, हल्ला, HALLA, हल्ला। तो L का 5, बस 55 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, रिजर्व बैंक इंडिया बोल रहा है यहाँ पे, सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, क्योंकि उसको रुपये छापने थे। क्या करने थे? रुपये छापने थे। तो R और P आ रहा है रुपये में, R और P आ रहा है मेरे कोड के अनुसार से, R का 4 और P का 9, 49। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1949। ऐसे रुपये नहीं लिखना है, बस RP जो हमको कोड चाहिए, बस भोवेल थोड़ी लिखना है, भोवेल बिल्कुल नहीं लिखना, इसीलिए आपको आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, अकाल बोला था ना, अकाल, तो KL, क्या बोला था, अकाल में KL, के का कितना होगा 7, L का 5, कहाँ दिख रहा है, 1975। डी इज द राइट आंसर। नबार्ड बैंक, नबार्ड बैंक में क्या किया जाता था दोस्तों, कि नबार्ड बैंक कृषि लोग के लिए, फार्मर के लिए फाइन हो जाता था, तो FIN, मैं पूरा लिख रहा हूँ, बस आप एक्सपीरियंस हो गया तो ये सबको माइंड में चलाइए भी नहीं, बस F को चलाइए और N को चलाइए। F का कितना होगा 8 होगा, N का कितना होगा 2 होगा, 82। डायरेक्ट आंसर। अगला, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, क्लियर है, ये कैसे आपको बनाना था, ये नोटबंदी कहाँ हुआ था दोस्तों, देश में हुआ था, कहाँ हुआ था, देश में। D का कोड 1 होगा, SH का कोड 6 होगा, तो 16 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये दोनों में कोई आंसर होगा। और क्या बोला था, इसको आधा कर देना है तो ये डेट पे पहुँच जाओगे, तो 16 का आधा 8, 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, कन्फ्यूज नहीं करना। ए वाला क्या था, नंबर, नंबर को आधा किए, किसको किए, नंबर को, तो नंबर से नवंबर, ऐसे बोला था। सी द राइट आंसर। आगे, भारत में बैंकों का पहली राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण हुआ तो उससे क्या हुआ था फ़ायदा, हमें जॉब मिला था, जॉब मिला था, तो JB, बस याद रखना, J और B, J का कोड कितना होगा 6, B का कोड 9, 19 आगे लगा दीजिए, 1969 कहाँ दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नबार्ड संबंधित है, नबार्ड जो बैंक है दोस्तों वो किससे संबंधित है, कृषि से है, किससे, कृषि से। देखिए यहाँ पे दो आ रहा है, कृषि आ रहा है और कृषि और ग्रामीण बैंक। दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ग्रामीण का जो विकास है वो करने के लिए, तभी क्योंकि आपको पता है कृषि, फार्मर लोग कहाँ हो गए, टाउन में थोड़ी ना होंगे फार्मर लोग, गाँव में होंगे, और गाँव का विकास कब होगा, जब कृषि का विकास होगा, तो ये सी राइट आंसर होगा, ए नहीं मारना है, ठीक है। आगे, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, मुंबई सुपरमार्केट, वाशिंगटन में इंडिया के टाउनशिप, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। ये फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको ले लिया, और ये आया हुआ है SSC में। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, इसको याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क का स्ट्रीट है, क्लियर है, वॉल स्ट्रीट। अगला, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, देखिए कितना आसानी से करूँगा, राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, कब हुआ था, जॉब लग गया था, अब जॉब लग जाता तो क्या बोला था, डरना नहीं, डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, डी का कोड 1 होगा, R का कोड 4, 14। तो ये जॉब वाला आपको दिमाग नहीं लगे तो आपके आंसर ही नहीं दिया था, एटलीस्ट को क्लियर है, डर 14 आंसर हो जाएगा। भारत करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएँ मुद्रित होती है, तो जब भाषा सारा चेक कर रहे हो तो क्या दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, धूल लग गया है, क्या लग गया, लगता है धूल लग गया, इसीलिए नहीं दिख रहा है। डी का कोड 1 होगा, H का 9 होगा, U का नहीं होगा, L का 5 होगा, 15 भाषा, डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो इस तरह करके, और टोटल भाषा कितना है दोस्तों, हमारा टोटल भाषा इंडिया में कितना है बताओ, मैंने याद कराया था नाना से कितना, नाना को डिकोड कर दो, हमने नाना के घर गया था, कब गया था, समर वेकेशन में, तो वहाँ पे मैंने सारा भाषा सीख लिया था, N का कोड 2, N का कोड 2, ए का नहीं होगा, 22 भाषा है टोटल। एक और क्वेश्चन दोस्तों, कि जो RBI का गठन कब हुआ था, तो मैंने बताया था कि जो RBI का गठन हुआ था, उस RBI के पास क्या होता है, माल होता है, M का कोड 3 होगा, A का कोड नहीं होगा, L का कोड क्या होगा, अच्छा माल होगा, AA, तो A का नहीं होगा, L का कोड कितना होगा, 5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1935। और इसमें बताया था एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, कि 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, कैसे याद रखना है, खुद ही सोचो कि वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल में हुआ था,
लास्ट मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट होता है, तो ऐसे याद रखो कि आरबीआई भी उसी समय स्टार्ट हो गया, क्लियर है, तो ऐसे करके आप वो डेट पे पहुंच जाओगे, बट ईयर आपका 1935 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन को भी किए होंगे और ये सारी चीज़ समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।